वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक मई यूट्यूब चैनल आशा फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते सब ठीक होंगे। तो हमारा वहाँ का जो है ना लाइट, यहाँ का हमारा बल्ब जो है वो जल चुका है, ये वाला लाइट जो लगी हुई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं इधर खड़ी होकर ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैंने की है इब्राहिम की कल फिर से शॉपिंग, और वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको नाश्ते के बाद, क्योंकि अभी मैं करना है नाश्ता मैंने। तो ये देखें, रात को पानी नहीं आ रहा था, तो ये देखें बर्तनों का ये हाल हो गया। यहाँ पे ये बर्तन पड़े हैं, यहाँ पे ये पड़े हैं, ये पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होता है फिर बर्तन वॉश करते हैं। बर्तन वॉश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ये बताती हूँ आपको कि मैंने क्या शॉपिंग की है ब्रांड की। मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, नहीं किया हुआ तो लाइक करें शेयर करें। अभी मिलते हैं आपसे। ये देखें बर्तन मैंने यहाँ से वॉश कर लिए हैं सारे, किचन भी नीट कर दिया। यहाँ पर आटा गूँधने लगी हूँ अब मैं, ये पानी गर्म हो रहा है, ब्रांड को भी वॉश करना है। आटा गूँध लूँ फिर नाश्ते की तरफ चलते हैं। हो चुका है मेरा रेडी, ये पराठे हैं, ये साथ में शोरबा है उसका पायो का, और चाय मैं अंदर छोड़ रही हूँ। अभी चलते हैं अंदर। इब्राहिम करने लगी हूँ रूम सेट, ये देखें ये ऐसे ही फैला हुआ था, सारा काम घर का मैंने कर लिया, बस यही रह गया था रूम का काम करने वाला। और मैं चली गई थी थोड़ा बाहर तो इब्राहिम के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान सा है, आज मेरा दिल पता नहीं क्यों उदास उदास हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने घर जाऊं, और एक मिनट इसको उठा लूँ। हाँ, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं अपने घर अम्मी के, और अम्मी की कब्रस्तान पे जाऊं। इसमें आ गई थी कॉल मेरे अब्बू की, मैं बात कर रही थी आपसे। तो ये देखें हमारा लाइट यहाँ की कम हो गई, अब तो अब दूसरा लेके आते हैं, उसको वापस करवाते हैं। और यहाँ पे मैं इब्राहिम के लिए बनाने लगी हूँ आलू के पकोड़े, वो भी शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं कैसे बनाती हूँ। दूसरा इब्राहिम की शॉपिंग कल दिखाऊंगी, आज मेरा दिल ना बहुत परेशान है, मुझे ये याद आ रही है बहुत ज़्यादा। ये मेरी मामा है, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं दिखाती हूँ रूम मैंने कर लिया सर। बेबी हेलो करो इब्राहिम, इब्राहिम हेलो करो। इब्राहिम ने कहा जी लाइट बंद कर दो रूम की, मैंने कहा ओके बंद कर देते हैं, बंद कर दूं चाइज बंद कर दूं, ओके। ये देखिए इब्राहिम ने कहा जी लाइट रूम की बंद करें। और मदीखा खान है जिन्होंने मुझे कल कहा है कि मेरा नाम ले आप ही, उन्होंने कहा आयशा मेरा नाम ले ना आप ही कह दूँ, चलो आप ही भी कह लो कोई बात नहीं। तो मदीखा कैसी हैं आप? एक मेरे भाई हैं नुमान पेशावर से, उनको भी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? दो लोगों का नाम मुझे याद था वो मैंने ले लिया। तो अब चलते हैं अपने किचन की तरफ, अब बनाते हैं हम आलू का मटेरियल रेडी करते हैं पकोड़ों का। और साथ में मैं लाई हूँ कलेजी, डॉक्टर ने कहा था इब्राहिम को देनी है, तो मुझे काफ़ी देर से ना भूल गया था, तो अब फिर ना मुझे थोड़ा थोड़ा उसमें नज़र आने लग गया कि मसला हो रहा है उसको, मतलब खून की कमी हो जाती है ना उसको। तो उन्होंने कहा था इसको आपने अच्छी चीज़ें देनी है, घर का खाना देना है, फ्रेश चीज़ें देनी है, फ्रेश जूस देने हैं, ठीक हो जाएगा। जब टाइफाइड का मसला हुआ था ना तब डॉक्टर ने बोला था, तो अब उसी के लिए मैं लाई हूँ कलेजी बड़े गोश्त की, वो उसको फ्राई करके देती हूँ लाइट लाइट सी, और साथ में पकोड़े बना के देती हूँ। देखते हैं इब्राहिम को कैसा लगता है। लिए मैंने ये वाले दो आलू और एक ये वाला प्याज, इसको कटिंग करते हैं हम इसमें, और मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। हम लोग दुआ करें बारिश हो जाए, दिसंबर स्टार्ट हो गया लेकिन वैसी सर्दी नहीं आ रही जैसी होती थी, ऐसे लोग बीमार हो रहे हैं। मुझे भी दो दिन से मसला था शोल्डर का बना हुआ, तो उसकी मेडिसिन खाई मैंने तो ठीक हो गया शुक्र अल्लाह का कुछ। पे आलू काट लिए मैंने इस तरह के, अभी प्याज काटती हूँ फिर दिखाती हूँ। प्याज भी कट हो चुका है, काट लिया मैंने, ये देखें वैसे ही काटा जैसे आलू की लुक है, जैसे उसी तरह का काटना था मैंने इसको, मैंने लहता लहता भी कर लिया। अब चलते हैं मसाले की तरफ। ऑयल हो रहा गर्म, ये कलेजी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसको मैरिनेट करना है मैंने इसमें। और ये रहा हमारा मसाला पकौड़ों का, भाई इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए मैंने जो जो भी डालना था इसमें, मिर्चें वगैरह मसाला धनिया अजवाइन हर चीज़ मैंने इसमें ऐड की है। पहले इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, इसका एक बैटर बनाते हैं, फिर इसमें मैंने इसको ऐड करना बाद में, जिसमें पानी डालती हूँ खास से तो नहीं होगा। यहाँ पर इसका हो चुका है बैटर रेडी, ये मैंने ऐसा मिक्सर बनाया ये देखें, और फिर इसमें ये ऐड करते हैं। जो लोग सब कुछ इसी के अंदर ऐड कर देते हैं फिर इसमें पानी डालते हैं, किसी जगह पे नमक होता है, किसी जगह पे मिर्ची होती है, किसी जगह पे कुछ होता है, तो अभी हम डालेंगे इसको इसमें।
इसमें ऐसे इसको साफ कर लेते हैं। अभी हरी मिर्चें और धनिया मैं एंड पे डालूंगी जब मैं इब्राहिम के लिए बना लूंगी, क्योंकि उसको वो तो बच्चा है ना, उसके लिए तो नहीं ना ऐसा हो सकता कुछ। ये देखें इसका, ये भी मिक्स करके कितना इसकी फाइनल लुक अच्छी आ जाएगी। चुका है रेडी, एक हम इसका निकालते हैं पकौड़ा, उसको टेस्ट करते हैं, फिर उतनी देर हम करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, तब तक ये हो जाता है, इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें डालूंगी ये वाला मैं टिक्का मसाला, थोड़ा सा लाइट, और काली मिर्च डालूंगी और नमक वगैरह डाल के ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करते हैं। इसको भी मसाला लग चुका है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हाथ की मदद से। और यहाँ पे हमारा पकौड़ा भी रेडी हो रहा है, उसको भी टेस्ट करते हैं। एक हम करते हैं इसको टेस्ट, इसमें इसमें ये भी हो गया। यहाँ पे हमारा एक पकौड़ा और एक कलेजी ये टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, और इसको मुझे बनाना है क्रिस्पी और इसको थोड़ा सा हार्ड करना है ताकि ब्रेन को अच्छा लगे और मज़ा आए। ये ब्रेन के लिए बना है, इसको मैंने 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख देना है, और इब्राहिम को डेली बना के देती रहूँगी, और इब्राहिम को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप सब ने भी खाना है तो आके खा लें। हम इसको अच्छे से पकाते हैं, इसको चेक करते हैं। पकौड़ा बन चुका है मेरा, और इसको हम करते हैं बिग ट्राई, फिर देखते हैं। बहुत गर्म है अभी, अच्छा मैं बना तो रही हूँ आपके साथ शेयर ही कर लेती हूँ। आज हमारे घर की लाइट बहुत कम है, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत बहुत मज़े के, टेस्टी। किस किस ने खाने आके खा ले, अभी बन रहे हैं, जिसने आना है आके खाने। इब्राहिम का टेस्ट कराते हैं। इब्राहिम आलू का ना यमी खा लिया, चेक भी कर लिया, अब हम बनाते हैं, ट्राई करते हैं, अपने पकौड़े रेडी करते हैं। चलो जी ये करते हैं हम अभी रेडी इसको। बिस्मिल्लाह, मुझे ऐसे ही पकौड़े मज़े के लगते हैं जिसके स्लाइस बाहर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ऐसे थोड़ा सा लाइट वाला चाहिए, ऐसे ऐसे। जब तक ये जुड़ नहीं ना जाते अच्छे से, तब तक मैं इनको नहीं हिलाऊंगी, ऐसे। और एक यहाँ पे ऐसे। चलो अब इनको थोड़ा सा कट देते हैं चूल्हा। मज़े के क्रिस्पी मेरे बन गए पकोड़े, ये मुझे मैंने खुद ऐसे लाइट ज़्यादा डार्क किए हैं, ब्राउन लाइट जो है ना वो क्रिस्पी नहीं होने थे, बहुत नरम नरम से बनते हैं वो। पकौड़े यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, ये देखें कितने मज़े के क्रिस्पी हैं ये सारे, कुछ खा लिए, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, और अब हम करते हैं अपना वीडियो का यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। टाइम क्या हो गया है, 7 बजने वाले हैं। मुझे वीडियो भी लगानी है और मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी पकौड़े बनाते बनाते, और आपको दिखाते दिखाते वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। और मुझे दे इजाज़त, कल मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।